यहाँ पर हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अभी तक हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा है। अब हम दशमलव संख्या को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं, सिंपल तरीके से है। ये 0.25 को प्रतिशत में बदलना है। जितने दशमलव की संख्या को प्रतिशत में बदलना है हम 100 का गुणा करेंगे। बहुत हम अगर ध्यान से देखें तो एक बात निकल कर आएगी कि जब दशमलव संख्या को जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे तब भी हमने 100 का गुणा ही किया था। देख सकते हैं 100 का गुणा ही कर रहे थे भिन्न में। अब हम जब दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदल रहे हैं तब भी 100 का गुणा ही करेंगे। दोनों में कॉमन बात है ये। 100 का गुणा कर दें और जो भी आएगा वो प्रतिशत होगा। जब 100 का गुणा करेंगे तो हमने देखा है कि 100 का गुणा करते हैं दशमलव दो अंक इधर चला जाता है दाहिनी साइड, यानी दशमलव अगर यहाँ पर है तो एक एक और दो अंक इधर चला जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा, लेकिन शॉर्टकट हम बता रहे हैं 0.25 गुणा 100। जैसे वहां करते थे वैसे ही यहाँ करना है। जब गुणा करेंगे तो ये 2500 आएगा, दो अंक बाद दशमलव रखेंगे तो 25% आएगा। तो 10, 100, 1000 का जब हमने गुणा करना सीखा था तो हमने कहा था 10 का गुणा करते हैं तो एक अंक दशमलव इधर जाता है, 100 का करते हैं तो 100 पर तो 2 0 है तो 2 अंक जाएगा, 10 पर 1 थी 0 इसलिए 1 अंक इधर गया था, 1000 पे 3 थी इसलिए 3 अंक चला जाता था। हमें कुछ नहीं करना है, 2 अंक इधर दशमलव रख करके सीधा उत्तर बताना है, कॉपी पर लिखेंगे। परीक्षा में तो हम ऐसे बाकायदा ये यहाँ पर लिखेंगे कि ये 25% हो गया है, तब नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें 0.50 इसको प्रतिशत को सीधे प्रतिशत में बदलना है इस संख्या को, तो 2 अंक इधर करो सीधा 50 हो जाएगा। गुणा करेंगे फिर भी वही आएगा, तो इसे 50%, इसे 75%, देखिए सीधा सीधा जा रहा है। इसे जब यहाँ करेंगे तो जब हमने गुणा करना सीखा था तो हमने कहा था कि अगर 100 का इसमें गुणा करेंगे 2 अंक इधर जाना चाहिए दशमलव, लेकिन दशमलव के बाद अंक तो एक ही है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तब इसे हटाएंगे तो 150% हो जाएगा। ऐसे ही ये दशमलव 2 अंक इधर पहुंचेगा 125% हो जाएगा, ये इधर पहुंचेगा 325% हो जाएगा। सरल तरीके से हमने देख लिया है, सीधे सीधे उत्तर बता सकते हैं हम। लेकिन जब कॉपी में लिखेंगे, परीक्षा की कॉपी में, तो हमें ऐसा लिखना है। कंपटीशन में तो हमें सीधा सीधा आंसर बताना होता है, हमारा क्या लिखा है ये कोई नहीं देखता है, आंसर टिक करना है, इसलिए हमें जल्दी और सही देखना है। तो कॉपी पर जब लिखेंगे तो हम बाकायदा ये इस तरीके से 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और गुणा करेंगे बाकायदा 50%। ऐसे ये हमारा उत्तर होगा, इससे कम पर नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे ही सारे कर सकते हैं, जो हमारी कंपटीशन है उसमें हम शॉर्टकट कर सकते हैं। तो इसका हम करेंगे, अगर हम गुणा करते हैं इस तरीके से 100 का, तो हमारा ये देखिए 100 का इसमें गुणा करेंगे सही तरीके से तो 1500 तो पहले आएगा और दशमलव 2 अंक 1 अंक बाद रखना है, तो देखिए 150% ही आएगा। एक सौ 50%। ऐसे ये करेंगे तो 1.25 गुणा 100, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 125% हम सीधा लिख देंगे। ऐसे ये 3.25 गुणा 100% यानी कि ये हो जाएगा 325%। हमने यहाँ पर देखा कि दशमलव की संख्या को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं।
पिछले पाठ में हमने ये भी देखा था भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं, दोनों में 100 का गुणा ही करते थे। आगे हम देख रहे हैं प्रतिशत के अन्य भाग।